आज आप मालेगांव शहर की हालत देखेंगे। बारिश एक बहुत तेज़ बारिश हुई ये सच है, लेकिन बहुत कम वक्फे के लिए। इसके बावजूद जहाँ से मैं हज़ार कोली से जमतु सहूलियात पार करते हुए आज़ाद नगर के रोड तक आई हूँ, यहाँ ऐसी पोजीशन है कि जगह जगह पानी जो है वो जमा हुआ है। ये सच है कि बारिश वक्त से पहले आ गई, लेकिन मालेगांव कॉरपोरेशन ने कोई भी तैयारी नहीं की है, जबकि महकमा मौसमियात ने पहले ही बोल दिया था कि बारिश वक्त से पहले आएगी और पहले से बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। कल ही मैंने न्यूज़ में सुना कि 101% से ज़्यादा बारिश होने के इम्कान हिंदुस्तान में हैं, और जो हालात हैं कि जितने साहिली इलाके हैं वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश और एक तूफान की हालत बनी हुई है। लेकिन ऐसे हालात में मालेगांव जैसे शहर जो गुंजान आबादी में मुब्तला है, यहाँ लोग जो है एक दूसरे से मिल के रहना पसंद करते हैं, इसीलिए बस्तियाँ बहुत गुंजान। कॉरपोरेशन ने कोई तैयारी नहीं की है बारिश के लिए। ये इलाका जो शहर का पुराना इलाका है, यहाँ पे गुंजान आबादी है और पक्का इलाका होने के बावजूद गटर की हालत ऐसी, इस गटर की ये मेरे वार्ड से लगकर इलाका है। मैंने 3 महीना पहले से इसकी शिकायत की थी कि ये अतिक्रमण साफ किया जाए और गटर के जो नाला है उसको क्लियर किया जाए। अभी तक उस ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने सख्ती से बोला है। उन्होंने वादा किया कि पीर के दिन से वो सफाई का काम बीफ की मार्केट से लेकर जो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन पुराना था वहाँ तक सफाई का काम शुरू करेंगे। अगर वो नहीं शुरू करेंगे और लोगों को राहत नहीं मिलेगी तो अपोजिशन की तरफ से हम कॉरपोरेशन में मेयर के खिलाफ और कमिश्नर के खिलाफ हंगामा करेंगे। आप देखेंगे मालेगांव शहर में इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं जहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, नाले की सफाई नहीं होने की वजह से बस्तियों में पानी घुस जाता है। अगर ऐसे हालात मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन मेयर ने दूर करने की कोशिश नहीं की तो मालेगांव शहर में माली नुकसान के साथ साथ ज़बरदस्त जानी नुकसान होगा। इसकी जिम्मेदार कॉरपोरेशन के अहदेदारान और कॉरपोरेशन में काम करने वाले अधिकारी होंगे।